हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं कि ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर सृष्टि की है, लेकिन इतनी सुंदर सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है उसके बावजूद जो सृष्टि करने की जो मुख्य कारण है वो कौन है? भगवान कृष्ण, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण के। ऐसे तो सृष्टि में बहुत सारे ईश्वर हैं, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, वायु, बहुत सारे ईश्वर हैं। लेकिन और उसमें आप देखिए शिव जी और ब्रह्मा जी जो है मुख्य स्थान पे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन उसमें सबसे जो सर्वोत्कृष्ट, सबसे बड़े या सबसे ऊपर शिरोमणि जो ईश्वर है वो है कृष्ण। और भगवान कृष्ण कैसे हैं? वो है सच्चित आनंद विग्रह। उनका जो सुंदर रूप है वो सच्चिदानंद भगवान का। अच्छा, वो है कैसे? ऐसे भगवान है, हम देखते हैं ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, शिव जी भी प्रकट हुए, तो भगवान कृष्ण भी जन्म लेते हैं? नहीं, कृष्ण कौन है? अनादिर आदिर, क्योंकि ब्रह्मा जी का कारण है, शिव जी का कारण है, कृष्ण का कोई कारण नहीं। कृष्ण के प्रकट होने का कोई तो कारण होना चाहिए। नहीं, कृष्ण कौन है? अनादिर आदिर, कृष्ण अनादि है, कृष्ण का कोई आदि नहीं है और कृष्ण सबके आदि है। अनादिर आदिर गोविंद, और ये गोविंद कैसे हैं? सर्व कारण कारण। सृष्टि चाहे ब्रह्मा जी कर रहे हो, सृष्टि का विलय प्रलय चाहे संहार शिव जी कर रहे हो या पालन भगवान विष्णु कर रहे हो, लेकिन कृष्ण है सर्व कारण कारण। किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य का एक कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आजकल हम देखते हैं, अरे बिना कारण के कैसे मार दिया, बिना कारण के कैसे बोल दिया, बिना कारण के कैसे कार्य कर दिया। नहीं, पूरी सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे कोई कारण। अच्छा हो, किसी ने किसी का गुण, किसी ने किसी का कर्म से प्रभावित होकर वो कर्म हुए, जो कार्य है वो पूरा। अभी देखिए इतना सुंदर सुंदर वर्णन है पशुओं का, पक्षियों का, पेड़ों का, लताओं का, इतना अद्भुत वर्णन है कि इतना अद्भुत और सुंदर वर्णन क्या बिना कारण के होता है? क्या इसका कोई कारण नहीं है? इसके कारण है अपने ही जीवों के अपने ही गुण और कर्म। जीवों के स्वतः के जो गुण और कर्म है उससे प्रभावित होकर ये सृष्टि में ये सब कुछ हो रहा है, और हमें हमारे गुण और कर्मों के अनुसार कृपा करने का कार्य करते हैं श्री भगवान। भगवान की कृपा से, उनकी अनुकंपा से हमारे जो कर्म है वो सारे कर्म जो हैं वो कार्य के रूप में परिणित होते हैं, और उसके अनुसार हमें सुख दुख, अच्छा बुरा, जीवन में जय पराजय जो है वो हमें प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, हम मनुष्य बनेंगे, पशु बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, पक्षी बनेंगे, हम क्या बनेंगे वो भी स्वयं भगवान डिसाइड, और वो भी हमारे ही गुणों से उन्हें डिसाइड। तो ये सब भगवान की दिशा है। चलो, भक्ति विनोद ठाकुर एक प्रार्थना में कहते हैं, केशव तुल्य जगत विचित्र। तो ये सारे जब तात्पर्य में पढ़ रहा था, श्लोक संख्या 18, 19 और 20 में पढ़ा, तो उसमें वर्णन है कि कैसे, ये 21 में, कि कैसे भगवान की जो पूरी सृष्टि है इतनी विचित्र है, फुल ऑफ कलर्स एंड वैरायटी, भिन्न भिन्न कलर हैं
और भिन्न भिन्न उसके अलग अलग वैरायटी है, विविधताएं। आजकल भारत में कभी कभी स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में कंपटीशन होता है, तो कुछ कई बार हमने देखा है कि जो टॉपिक होता है, अगर भारत से बात होती है तो विविधता में एकता में टॉपिक दिया जाता है। ये विविधता में एकता का टॉपिक जो दिया जाता है, इसके अखिल असली जो स्रोत है वो है भगवान कृष्ण। क्या विविधता है, इतनी सुंदर विविधता है, इतना सुंदर अलग अलग प्रकार की वैरायटी, अलग अलग प्रकार का स्वभाव, अलग अलग प्रकार की बोली, अलग अलग प्रकार के लोगों का कार्य करने का तरीका, सब कुछ अलग है। दुनिया की छोड़ दीजिए, पशु पक्षियों की भी छोड़ दीजिए, केवल भारत में देखेंगे तो पता चलेगा। एक फाउंडेशन कोर्स नाम का सब्जेक्ट होता है जो पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन, मोस्टली बीकॉम बीएमएस को पढ़ाया जाता है, तो उसमें वर्णन आता है कि जो भारत है, भारत में 1614 भाषाएं बोली जाती, 1614 लैंग्वेजेस। तो 1614 भाषाएं हैं, तो 1614 भाषाओं की विविधता भी है, उनका खान पान, उनका कपड़ा, उनका रहने का। लेकिन एकता क्या है, कि सब जो है वो भगवान से जुड़े हैं और सब कुछ भगवान कृष्ण से आता है, और सब उपासना भी करते हैं तो केवल कृष्ण की करते हैं। कोई कृष्ण के रूप में करता है, कोई राम के रूप में करता है, कोई जगन्नाथ के रूप में करता है, कोई पांडुरंग विट्ठल के रूप में करता है, कोई पद्मनाभ के रूप में करता है, कोई तिरुपति बालाजी के रूप में करता है, कई सारे भगवान के रूप है, कई सारे रूप। और इन सभी रूपों में भगवान एक ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा होता है। कोई बद्रीनाथ के रूप में पूजा करता है, कोई रामेश्वरम के रूप में पूजा करता है, एक ही भगवान कृष्ण। विविधताएं बहुत है, लेकिन एक ही भगवान के साथ पूजा। ये है असली विविधता में। भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान सृष्टि में इतनी सारी विविधताएं रखे, हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, हर व्यक्ति का जो गुण है, कर्म है, स्वभाव है, उसकी जो इच्छा है, किसी की सृष्टि को भोगने की इच्छा है, किसी को भगवान की सेवा की इच्छा है, सबको गुण और कर्म के अनुसार पूरा करते हुए एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ पूरा करते हैं। और पूरा करके भगवान एक मुख्य लक्ष्य पर लेकर आते हैं, और वो है एकला ईश्वर कृष्ण हर सब प्यारे जैसे न चाहे तो। एक ही है कौन, कृष्ण। और हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो उस लक्ष्य पर लेके आते हैं, जीवे स्वरूप हरे कृष्ण। कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कि कृष्ण केवल एक भगवान है, बाकी सब कृष्ण के सेवक हैं, मैं भी कृष्ण का सेवक हूं, तो मुझे एक भगवान की सेवा। क्यों, क्योंकि यही मेरा स्वरूप। चाहे कोई किसी भी शरीर में हो, चाहे कोई किसी भी विविधताओं में हो, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वो लक्ष्य होना चाहिए कि वो कृष्ण का सेवक। चाहे वो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, चाहे वो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, कुछ भी हो, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि कृष्ण मेरे स्वामी है और मैं कृष्ण। और केवल यही ज्ञान नहीं मिलने के कारण आज संसार में क्या हो रहा है, केवल यही ज्ञान नहीं, तो आज संसार में क्या हो रहा है, किसको बताया गया है कि जो पशु का जो व्यवहार है,
वैसा ही व्यवहार आज मनुष्य कर रहे वैसा ही व्यवहार मनुष्य कर रहे। क्षमा कीजिएगा, हम थोड़ा जोड़ने का प्रयास करेंगे, वक्त को अगर नहीं ठीक लगा तो पहले क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन क्या है, जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो शास्त्र को पढ़ने के बाद हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखना है, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है जोड़ने का प्रयास करें। तो जो श्लोक संख्या 21 है उसमें बताया गया है कि जो पशु होते हैं, जो मनुष्य नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो उनको इतना बुद्धि नहीं होता उनके पास, पहले उसमें तो लिखा है बुद्धि ही नहीं होता, उसमें बुद्धि नहीं होता कि वो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते, उनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं होता। उनके पास कितना बुद्धि होता है, उनके पास जो बुद्धि होता है केवल चार चीज के लिए होता है, आहार निद्रा भय मय। जैसे विष्णु पितामह जी कहते हैं, आहार निद्रा भय सामान्य वेतम पशु धर्मो इतेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु समान। कि जो आहार करना, निद्रा करना, भय करना और परिवार बच्चों का पालन करना, ये जो है ये क्या है, ये मनुष्य भी करता है पशु भी करता है, दोनों में समान है। समान है तो हम भी पशु हैं। इतिहास में हम पढ़ते हैं मनुष्य एक सामाजिक पशु है, लेकिन पशु के साथ साथ सामाजिक शब्द का उपयोग किया गया है कि वो समाज में रहने वाला पशु है, मनुष्य समाज में रहने वाला, और क्या करेगा उसमें रहेगा, उसमें भगवान का भजन करेगा, भक्ति करेगा। लेकिन ये पशु की वृत्ति ही रह जाएगी अगर वो एक विशेष काम नहीं करेगा। क्या विशेष काम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, के धर्म करना, भगवान की भक्ति करना ही उसके अंदर एक मात्र विशेष गुण है, नहीं तो वो पूरा पशु है, नहीं तो वो पूरा पशु है अगर उसके अंदर धर्म करने की प्रवृत्ति नहीं है, भगवान कृष्ण की सेवा करने की। पशु समान, तो जब तक किसी भी व्यक्ति को भगवत भक्ति का ज्ञान न दिया जाए, भगवान की सेवा का ज्ञान न दिया जाए, तब तक तो वो व्यक्ति पशु ही होता है, वो व्यक्ति मनुष्य नहीं। और आगे कह रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी, थोड़ा कठोर शब्द है क्षमा कीजिएगा, लेकिन आगे कहा जा रहा है तात्पर्य में कि इसीलिए कितना भी शक्तिशाली खोखा बाघ जैसा भी अगर कोई जानवर है, बाघ में बहुत शक्ति है, फाड़ देता है आदमी, कितना भी तगड़ा आदमी जब फाड़ देगा उसको, इतना तगड़ा जो पशु है खूंखार है, उसको भी कुछ सुविधाएं देते हो खाने की और रहने की ना, तो उसको भी पाला जा सकता है, पालतू बनाया जा सकता है। आज मनुष्य की परिस्थिति देख रहे हैं, जॉब मिल रही है, कोई बिजनेस कर रहा है, खाने पीने की सुविधाएं मिल रही, बस आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे भगवान हो, कृष्ण की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या सरोकार है भगवान कृष्ण की भक्ति से, क्या सरोकार है भगवत गीता भागवतम से, अरे हमारा पेट भर जा रहा है बस, हो गया, सुविधाएं मिल जा रही है, खाने रहने सोने और परिवार पालन बस हो गया, आप भगवान की जरूरत नहीं, जो दे रहा है वही भगवान है। लेकिन इस श्लोक में क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति सॉरी जो पशु है वो पशु ही ऐसे ही होता है, जिस पशु को जो सबसे खूंखार हो, उस पशु को यदि आप भोजन की और उसके जीवन यापन की सुविधाएं दे दें तो वो भी पालतू बन जाता है। तो
आजकल के समाज में लोग पालतू बन के जी रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं ना कहीं कर रहा है अपने रोटी के लिए, अपने परिवार पालन के लिए, अपने घर की सुविधाओं के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और उसके बाद उसको लगता है दस से सिना इतना मेरे लिए पूरा है, अब मुझे और कुछ भगवान की जरूरत ही नहीं, भक्ति की जरूरत ही नहीं। इसीलिए क्योंकि है इंसान, इंसान के शरीर में है लेकिन जीवन पशु के जैसा जी रहा है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आता है, इसीलिए एंजाइटी आता है, इसीलिए पीड़ा हो रही है मन को, क्योंकि काम शरीर के लेवल पे कर रहे हैं। ये कौन सा काम है कि केवल खाने पीने का विचार करना, केवल सोने का विचार करना? ये है हमारे स्थूल शरीर के आधार पर किया गया विचार। जो विचार हम स्थूल शरीर के आधार पर करते हैं वो विचार हमारे जो होते हैं वो पशु के स्तर के। जैसे आजकल मनुष्य उसको पूछो भगवान कहाँ है, बोलता भगवान नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो स्थूल शरीर है, उसका जो ग्रॉस बॉडी है, उस स्थूल शरीर के द्वारा वो भगवान को अनुभूति नहीं कर सकता। तो भगवान की अनुभूति नहीं कर पा रहा है स्थूल शरीर के कारण, इसीलिए वो बोलता है भगवान नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अनुभूति नहीं कर पा रहे। क्योंकि मनुष्य अपने स्थूल शरीर से प्रयास कर रहा है उस भगवान को जानने का। जो स्थूल शरीर तो छोड़िए, सूक्ष्म शरीर तो छोड़िए, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और तीनों जो पूरे माया जगत द्वारा जो पूरा निर्मित ब्रह्मांड है उन सबसे परे है। भगवान गुणातीत हैं और ऐसे गुणातीत भगवान को समझने का प्रयास कीजिए। हमारी परिस्थिति क्या है पहले समझेंगे कि भगवान को समझने का प्रयास करना। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि शरीर से ऊपर क्या होता है, इंद्रियां होती है, इंद्रियों से ऊपर मन होता है, मन से ऊपर बुद्धि होती है और उसके ऊपर आत्मा। तो जब तक, अब हमारी परिस्थिति क्या है, भगवान को समझना है, जब तक आत्मा के स्तर पे आएंगे नहीं भगवान को समझ नहीं सकते। लेकिन आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है बुद्धि का, बुद्धि के ऊपर एक कवरिंग है मन का। सबसे पहले आत्मा के ऊपर कवरिंग आती है अहंकार की, अहंकार के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर मन और मन के ऊपर इंद्रिया, इंद्रिया के ऊपर ये शरीर, इंद्रियों को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शरीर। अब इतना ज्यादा हमारे जो आत्मा है, जो हमारा चित्त है, उसके ऊपर इतना ज्यादा पर्दा है, इतने सारे मैल लगी हुई है, इतना कोटिंग है मैल अज्ञान का, इतना कोटिंग, कैसे हम उस भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? कोई संभावना है नहीं। और दूसरा, हमें ज्ञान भी नहीं। क्या बात करते हो, ज्ञान तो बहुत है, हमने मास्टर्स किया है, हमने पीएचडी की है, हमने एमटी किया है, आपने किया है, बात सही है, लेकिन आत्मा का ज्ञान किधर है? हमारा ज्ञान तो शरीर और ज्यादा से ज्यादा मन तक सीमित है। नहीं, समझ लीजिए मन तक भी नहीं सीमित, आजकल के लोग मन पर भी नहीं सीमित, मन का भी ज्ञान नहीं है लोगों को, नहीं तो मन उनको धूप पछाड़ दे रहा है और वो मन से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ज्ञान हमारा शरीर और इंद्रियों तक ही सीमित है, ये शरीर और उसके अंदर इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, बस इतना ही ज्ञान है हमारे पास, उससे ज्यादा ज्ञान नहीं है, बस केवल इतना ज्ञान है हमारा शरीर और हमारी इंद्रिय, बस। उसके ऊपर ज्ञान है मन का, उसके ऊपर ज्ञान है बुद्धि का, उसके ऊपर ज्ञान है आत्मा का। और आत्मा के ज्ञान से शुरू होता है भगवान के को जानने का ज्ञान। लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा पशु वृत्ति में हम फंसे हुए हैं, अपने हमारे हमारे खाने, हमारे सोने की सुविधाओं में
इतना ज्यादा हम फंसे हुए हैं कि हमें होश भी नहीं है कि हमारी कितनी दयनीय परिस्थिति है, और ऐसी दयनीय परिस्थिति से हम बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे। क्यों? ज्ञान ही नहीं दिया गया, हमको बताया गया कि जो शरीर का और इंद्रिय भोग का ज्ञान है यही सर्वे सर्वा है, यही सब कुछ है। और उसमें भी कुछ बाबा आ जाते हैं और वो सिखाते हैं कि हम संसार भोगेंगे और हमको भोग से समाधि मिलती है। एक तो अज्ञान के वश इस भौतिक संसार में है, दूसरा उसी अज्ञान में जीत है, और तीसरा कोई व्यक्ति आके बोलता है तुम्हारा ये जो अज्ञान है ना, ये अज्ञान का जीवन परफेक्ट है, तुमको परफेक्शन की जरूरत ही नहीं है। बताइए, इसीलिए भगवान को कष्ट होता है। जो भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानुष्ठा, जो भगवान कहते हैं ना, ये भगवान का दया का भाव। इतने ज्यादा अंधकार में पड़े हो, मुझे आना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा कि तुम ये पशु नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये इंद्रिय नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हो, मेरा अंश हो, मेरे मुझसे जुड़ने का प्रयास करो, मेरे पास आओ। कोई कहेगा क्यों आपकी भक्ति करे? अच्छा आप भगवान मानते हो? नहीं, मैं भगवान नहीं मानता हूँ भाई, मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, जैसे अर्जुन का सेवक बन गए, सुदामा का सेवक बन गए, नारद मुनि का सेवक बन गए, मेरा तुमसे क्या संबंध है? भगवान बोलते हैं तुम स्वामी मैं दास। ऐसी परिस्थिति है, हम लोग भोजन करते हैं, हमें पानी मिलता है, हमें सुविधाएं मिल रही है, घर है, व्यापार है, जॉब है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, मित्र है, संबंधी है, इतने सारे लोग हैं, ये सब हमारी सुविधाएं हैं हमारे आनंद के लिए, और ये सारी सुविधाओं का अरेंजमेंट भगवान कर रहे हैं। है कोई ऐसा व्यक्ति? है तो वो स्वामी, है तो वो ईश्वर, ईश्वर ही नहीं है वो परम ईश्वर है, और परम ईश्वर होने के बावजूद वो एक सेवक की तरह हमारे खाना, हमारा सोना, हमारे संबंधी, हमारे मित्र, इन सब का अरेंजमेंट हमें करके दे, और हम हैं ये जो भगवान हमारे लिए इतनी सुविधा कर रहे हैं, उस भगवान को हम प्रार्थना और प्रणाम भी करना नहीं चाहते, उनका नाम भी नहीं जप करना चाहते, उनके बारे में जानने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। भगवद गीता और भागवत क्या परिस्थिति है हमारी? कृतज्ञ तो है ही नहीं मनुष्य समाज आज के समय भगवान के प्रति, बिल्कुल कृतज्ञ नहीं है। अरे प्रेम के स्तर पे नहीं कर सकते भगवान की भक्ति, तो कम से कम ड्यूटी के स्तर पे करें। ड्यूटी के स्तर पे नहीं कर सकते हैं, कम से कम मित्र के स्तर पे करें, दास के स्तर पे करें, किसी स्तर पे तो करें, शांत भाव में तो करें, भगवान से हमारा संबंध है कम से कम स्वीकार तो करें। नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो ये पशु का पूरा परिस्थिति वर्णन हो रहा है ये एक्सैक्टली लागू होता है हमारे आज के मनुष्य जीवन पे, कि जो पशु का जितना भी गुण और कर्म बताया गया है वही गुण और कर्म मनुष्य पे लागू। और तात्पर्य की जो अंतिम लाइन है वो तो बहुत गंभीर है। क्यों गंभीर है? क्योंकि उसमें कहते हैं कि सुविधा देकर, खाने और सोने की सुविधा देकर जो खूंखार से खूंखार पशु है उसको तो हम जो है वो पाल सकते हैं, या कहें अपने साथ रख सकते हैं। तो मान लो ऐसे इस्कॉन है, इस्कॉन में इस्कॉन जैसी संस्था खुली है, इतनी
प्रचंड प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से इतना जो सुंदर व्यवस्था बनाया है, सबको फूड फॉर लाइफ है, सबको नॉलेज है, सबको सारी सुविधाएं हैं, जो लोग आते हैं फेस्टिवल्स में उनके लिए रुकने की व्यवस्थाएं हैं, इतना सारा सुविधा देते हैं, उसके बाद भी लोग भक्त क्यों नहीं बन रहे प्रभु जी? सब सुविधाएं तो दे रहे हैं ना। यहाँ पे कहा गया है कि पशु को अगर सुविधा दी जाए तो उसको पाला जा सकता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति पशु वृत्ति में है तो उसे सुविधा देकर हम उसे जो है भक्ति जीवन में रख सकते हैं। देन व्हाट इज द डिफिकल्टी? डिफिकल्टी इज द लास्ट लाइन, जो आखिरी लाइन है वो डिफिकल्टी। वो क्या है? किंतु सर्प को नहीं लाया जा सकता। सांप होता है उसको शमन नहीं किया जा सकता बहुत खाने पीने की सुविधाएं दे। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है पता है? सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता है पता है? कालिया दमन लीला चल रही है, आप पढ़ सकते हैं, हमारे मंदिर में कालिया दमन लीला का जो अध्याय चल रहा है और उसका वर्णन है, तो उसमें वर्णन आता है कि जो सर्प का शरीर क्यों मिलता है। सर्प का शरीर मिलता है जब कोई बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु लोगों को मिलता है। तो आज के समय पे अगर उन्हें सुविधा दी जाए तो वो भक्ति कर लेंगे, लेकिन सुविधा प्राप्त होने के बाद भी आज के लोग ईर्ष्यालु हैं। जैसे ही मौका मिलेगा ना आपका फायदा लेके भाग जाएंगे, जीवन भर साथ में रहेंगे, मित्र बनकर संबंधी बनकर घर के लोग बनकर, जैसे मौका मिलेगा जैसे उन्हें मौका मिला सीधा है। अरे दुनिया की छोड़ दो, आजकल के जो अपने ही बच्चे, अपना ही पुत्र, अपनी ही पुत्री, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड और ना जाने कौन कौन सा गुड देखकर वो लोग प्रेम में पड़ जाते हैं, प्रेम में नहीं काम में पड़ते हैं, लेकिन ठीक है उसी काम को प्रेम कहते हैं, तो उसमें पड़ जाते हैं। और अगर माँ बाप ने सहयोग नहीं किया तो 2 महीने 4 महीने ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल का जो प्रेम है, उस प्रेम के सामने जो माता पिता का 15-20 साल का गाढ़ा प्रेम है, तुम्हें चलना सिखाना, खाना सिखाना, पीना सिखाना, एक एक चीज की सुविधा लेकर आना, पिताजी के 12-12 घंटे मेहनत करके गड्डी गड्डी नोट ला के आपके स्कूलों में भरना, माता का हर रोज का तुम्हारे कपड़े धोना, भोजन बनाकर देना, तुम्हारे सुविधाओं के पीछे प्रयास करना, तुम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके लिए प्रयास करना, उसके बाद तुम्हें अपने कमाई में अपने जॉब में इंटरव्यू देने भी जाना है तो गाड़ी भाड़े के लिए पैसा देना, एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखने वाले माता पिता को 2 महीने 3 महीने ज्यादा से ज्यादा 2 साल का वो जो कामवश प्रेम है उसके वजह से वो छोड़ देते, इतने ईर्ष्यालु। हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, क्या सिखाना चाहिए? एक ही चीज सिखाइए, हॉलीवुड की जितनी मूवीज है सीरियल से देखना बंद करो, एक ही चीज सिखाओ, बाकी चीज तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ईर्ष्या करना सिखाते हैं, घर में 2 माताएं आई हैं, ब्याह के शादी होके 2 माताएं आई, और 2 माताओं का क्या दुख है कि उसने थोड़ा सा सब्जी ज्यादा ले लिया, इसको कम पड़ गया, बस झगड़ा शुरू उस दिन से। क्यों? 2 बहनों में अगर ऐसा होता है, आज तो 2 बहनों में भी उतर है, क्या करें? लेकिन क्या हम ये नहीं देखे हैं कि हमारे घर के जो बड़े हैं उन्होंने भोजन नहीं किया कई कई समय तक हम लोगों को पालने के लिए, जो त्याग का भावना है दूसरों के लिए वो है ही नहीं आज। क्यों? ईर्ष्या, हर जीव के प्रति ईर्ष्या है जो मेरे भोग में इतना सा भी बाधक बनता है। और सबसे बड़ी ईर्ष्या है कृष्ण से, क्योंकि यदि कृष्ण से प्रेम हो गया, कृष्ण से संबंध स्थापित हो गया, तो
तो क्या होगा, कृष्ण से संबंध स्थापित हो गया तो हर संसार में हर जीव को हम कृष्ण से जोड़कर देखेंगे। जीव हर संसार में हर जीव को कृष्ण से जोड़कर देखेंगे और हर जीव पर दया करेंगे, हर जीव को अपना मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो मेरी तरह कृष्ण का अंश है। भगवत गीता के अध्याय नंबर 34, अध्याय नंबर 4 और श्लोक संख्या 35 में आप पढ़िए, जहां पे भगवान कहते हैं तद विद्युपणी माते न परिप्रश्न सेवया, 34 नंबर में उसके अगले श्लोक में बोलते हैं कि वैसे गुरु को प्रणाम करने से क्या मिलेगा। तो भगवान बताते हैं कि गुरु को जब प्रणाम करेंगे तो गुरु जो है भगवान के बारे में बताएंगे, और भगवान के बारे में जानने के बाद हम ये जान पाएंगे कि जितने भी जीव है संसार में वो भगवान से जुड़े हुए हैं और सारे के सारे जीव भगवान से जुड़े हुए हैं। तो हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, घर में मिलजुल के रहेंगे, समाज में मिलजुल के रहेंगे, देश में मिलजुल के रहेंगे। आज ऐसा माहौल चल रहा है घर के बाहर, घर के बाहर छोड़ दीजिए, घर के अंदर ही अखबार न्यूज चैनल चालू कर लीजिए, कौन कौन सा देश कौन कौन से देश पे आक्रमण करने के लिए धमकी नहीं दे रहा वो पता नहीं चलेगा। देश गिनते गिनते रात हो जाएगी, सुबह से देखें इतनी ईर्ष्या भरी हुई, गाढ़ी ईर्ष्या भरी हुई है। ये हृदय है जिसमें भगवान गाढ़ा प्रेम भरना चाहते हैं, ये हृदय में बहुत सारा गाढ़ा ईर्ष्या भर के रखा है। क्यों? क्योंकि पशु में भी सबसे निकृष्ट और सबसे ईर्ष्यालु पशु है ना। आज मनुष्य भौतिक जीवन को भोगते भोगते कृष्ण से दूर जाते जाते आज मनुष्य उस पशु के स्तर पे पहुंच चुका है जिसे सर्प कहते हैं, छोटी छोटी बात में झगड़ा कर, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर। सर्प होते हैं छोटी छोटी बात पर फुफकारने लगते। हर आदमी घर में पति पत्नी के बीच और पुत्र जो बच्चे हैं मां बाप के बीच, आस पड़ोसी वालों के बीच, ट्रेन में जाओ आप 2-3 सेकंड से ज्यादा अगर किसी ऊपर दृष्टि आपकी रुक गई है तो पूछिए क्या देख रहे हो भाई, क्या प्रॉब्लम है तुमको, इतना क्यों देख रहे हो मेरे को। हल्का सा धक्का लग गया, बस चढ़ते चढ़ते हल्का सा टच हो गया, धक्का क्यों मारा, मारा नहीं भाई लग गया, अरे ऐसे कैसे लग गया, देख के नहीं चढ़ रहा क्या। इतना ईर्ष्या भरा हुआ है मनुष्यों के शरीर में, इसीलिए इस्कॉन जैसी इतनी सुंदर अद्भुत संस्था होने के बावजूद सारी भक्ति के लिए तुम्हें भोजन चाहिए, भोजन दो, तुम्हें भक्ति करना है भक्ति करो, मंदिर में आके रुको, मंदिर में भगवान को प्रणाम, समय बिताओ थोड़ा, नहीं करना फिर क्या करना, ईर्ष्या करना। मंदिर में भी आएंगे प्रसाद पाने बैठेंगे, प्रसाद में किसी के प्लेट पे अगर थोड़ा सा ज्यादा केक या गुलाब जामुन या रसगुल्ला आ गया, कोई स्वीट आ गया या पनीर ही ज्यादा आ गया, पराठा ज्यादा आ गया, तो दूसरे की प्लेट में देखते अरे उसको ज्यादा दिया मेरे को नहीं दिया। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं तुमको ये क्यों दे रहा हूं पता है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। भक्त हैं मित्र हैं ठीक है, फिर भी ज्ञान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तुम क्या हो, अनसूयवे, क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। आज के समय में देखो कौन ईर्ष्या नहीं करते, कई बार भक्त भी ऐसा ऐसा चैलेंजिंग प्रश्न, ऐसा ऐसा चैलेंजिंग प्रश्न, भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है बताओ। अच्छा नहीं ऐसे पूछते भी ऐसे नहीं बताएंगे तो आज से भगवान को छोड़ दूंगा। कई बार हम लोग डर जाते हैं, तो उसके लिए उनको उस प्रश्न का उत्तर देने के पहले पहले भगवान का गुणगान करना पड़ता है। जब गुणगान करते तो उसका हृदय थोड़ा सा दब जाता है भगवान के गुणगान और प्रेम से, तो तब जाके जब हम कारण बताते हैं तो स्वीकार करते हैं।
और जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो तो मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं, आप कितना भी बोलो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, फिर भी गलत किया भगवान। इतना सारा रीजन दो, शास्त्रों का 10-10 20 शास्त्रों का प्रमाण दे दो, नहीं फिर भी गलत, ऐसा थोड़ी हो। अच्छा कुछ भी करेंगे भगवान। ये परिस्थिति है कि ईर्ष्यालु हो गए, इसीलिए उनसे भक्ति कराना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों से भक्ति। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि सुविधाएं देने के बाद भी लोग भक्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोग जो है सबसे निकृष्ट पशु की तरह ईर्ष्यालु होकर समाज में घूम रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले अहंकार का, उसके उपाध ईर्ष्या का चश्मा लगा करते, किसी भी व्यक्ति के साथ प्रेम का चश्मा नहीं लगा। जिस व्यक्ति के साथ प्रेम करते हैं ना, उस व्यक्ति के साथ भी काम का, अहंकार का और ईर्ष्या का चश्मा लगा। साफ दृष्टि से नहीं देख, साफ दृष्टि से देखोगे तो एक ही चीज, वासुदेव सर्वभूति, हर जगह परम भगवान वासुदेव है और कुछ नहीं, हर जीव भगवान का अंश है और कुछ नहीं है। सृष्टि का कण कण भगवान का जो है शक्ति है, यही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन क्यों आज इतनी परिस्थिति विकट हो गई है, भक्ति जीवन में इतना विकराल परिस्थिति हो गई है कि लोगों को भक्ति भी कराया जाए तो भक्ति कर नहीं सकते। पहले तो उनको ज्ञान दीजिए तो ज्ञान लेने लायक नहीं है, पशु जीवन में तो ज्ञान क्या लेंगे, उनको ज्ञान लेने को दो, उनके इंद्रिय तृप्ति करने के सहयोग करने वाला जो ज्ञान है वो लेने पर वो ले ले। अरे उसके लिए क्या पढ़ाई करते हैं, बाप अगर वैसा जैसा स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले बच्चे जैसा पढ़ाई करते हैं, अगर उस तरह से हम लोग भगवत गीता और भागवतम को तो पढ़ाई करें ना, अरे एकदम शास्त्र के हो जाएंगे, वैसा पढ़ाई करें मास्टर करने के लिए, पीएचडी करने, क्या रिसर्च वर्क होता है साइंस में, पीएचडी में, फिलोसफी में, इतना डीप रिसर्च वर्क होता है, एक-एक शब्दों को लेके लटक जाते हैं 2-2 4-4 घंटे, 2-2 4-4 दिन के लिए उस भाव को पकड़ने के लिए, भौतिक भाव, डीप रिसर्च वर्क होता है। लेकिन उसके बावजूद क्या है, करना क्या है, इंद्रिय तृप्ति। अच्छा भगवत गीता और जो भक्ति के शास्त्र हैं उनके भी कई श्लोक दोहे चौपाइयों के लोग रिसर्च करते हैं, लेकिन वो पूरा करने के बाद करते क्या है, इंद्रिय तृप्ति। बता भक्ति के शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति के शास्त्र पढ़ने के बाद भी करते इंद्रिय तृप्ति, क्यों? क्योंकि लोग ईर्ष्या करते हैं, हर व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं और भगवान से भी ईर्ष्या, यही कारण। लोग कहते हैं भगवान प्रकट करके दिखाओ, अगर भगवान है तो दिखाओ, लेकिन भगवान कैसे आएंगे? क्या आप जाएंगे? जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है आपको पता है कि किस लेवल पे वो आपसे ईर्ष्या कर रहा है, क्या आप जाएंगे उसके साथ? इसीलिए भगवान नहीं आते। ईर्ष्यालु व्यक्ति के सामने जाकर क्या करेंगे, वो और अपराध ही करेगा, भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो और अपराध ही करेगा भगवान के श्री चरणों में और भगवान से दूर चले जाएंगे। पहले बेटर है भगवान नहीं आए, साधुओं को भेज दें, भक्तों को भेज दें, धीरे धीरे समझाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना। ये पशुओं का गुण बताया है लेकिन ये पशुओं का गुण आज नहीं दिख रहा, यही गुण आज मनुष्यों में दिख रहा है, यही गुण, एक्सैक्टली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स यू कैन सी इन द ह्यूमन लाइफ, सेम, नो चेंज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें इसमें शिक्षा लेना, समझना कि क्या इसमें बताया जा रहा है, क्या इसमें बताया जा रहा है, समझना चाहिए, तब जाके हम थोड़ा बहुत। तो मैंने अपनी बुद्धि से, अपने समझ से,
तथा थोड़ा प्रयास किया। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने इसके बीच में कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, जानता हूँ, लेकिन इन शिक्षाओं को समझने के लिए जो तो जोड़ना जरूरी था ऐसा मुझे लगा। फिर भी आप लोग मेरे से वरिष्ठ भाव हैं, आप लोगों को यदि मुझे में कोई मेरे बातों में चीजों में कुछ सुधार दिखता है तो कृपया करके मेरा मार्गदर्शन।